लेकिन घटना के पीछे ये पता चला है कि मृतक की पत्नी का एक आरजू नाम के लड़के से अवैध संबंध था, जो गढ़वा का रहने वाला था। 15 मई के आसपास की बात है, 15 मई रात तकरीबन 12 बजे के आसपास की बात है। 12 बजे से 1 बजे के बीच इस वारदात को पत्रकार रईस अहमद के घर पर ही अंजाम दिया गया। मारने के बाद तय हुआ कि इसे पास के बाजार चौक में, पास के डिपो में, जो वन विभाग का डिपो है मनिंदरगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, वहाँ पर उसे फेंका जाए, जो घर से महज कुछ ही दूरी पर स्थित था। और ये प्लान करते हैं आरजू के साथ में साफिया खातून कि इस बार रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। लेकिन अब दोनों साथ रहेंगे जेल में। उस रात को भी कुछ यही सन्नाटा था, कोई नहीं था वहाँ पे सिवाय कुछ लोगों के। रात तकरीबन 12 बजे के आसपास होगी और सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ थी पत्रकार रईस अहमद की। वो चीखता रहा, पुकारता रहा मदद की आस में, लेकिन कोई उसे बचाया नहीं, क्योंकि जो लोग मौजूद थे उस जगह पर, सभी लोग उसकी जान लेने पर आतुर थे और इसी मकसद से उस जगह पर इकट्ठा हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ पत्रकार रईस अहमद हत्याकांड की, जिसका खुलासा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर पुलिस ने आज किया है। 15 मई की रात तकरीबन 12 बजे के आसपास की घटना है और 12 बजे पत्रकार रईस अहमद की पत्नी साफिया खातून, उसका आशिक आरजू और आरजू का दोस्त बुआ का लड़का खुशी, ये तीनों मिलकर पत्रकार रईस अहमद की हत्या कर दिए। लव ट्रायंगल की इस तरह की स्टोरी हम पहले भी आपको बता चुके हैं और इस तरह की आप पहले भी कई सारी फिल्में देखे होंगे। इस तरह की फिल्में बहुत बनी हैं कि प्रेमी, जो पत्नी होती है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देती है। तो ये कहानी भी बिल्कुल वैसे ही है। सुबह तक वो गुमराह करती रही, दोपहर तक गुमराह करती रही और आखिर में पुलिस ने इस केस का खुलासा कर दिया कि आखिर एक पत्नी अपने पति की हत्या कर दी अपने आशिक के साथ मिलकर और उस आशिक के दोस्त के साथ मिलकर। 15 मई के आसपास की बात है, 15 मई रात तकरीबन 12 बजे के आसपास की बात है। 12 बजे से 1 बजे के बीच इस वारदात को पत्रकार रईस अहमद के घर पर ही अंजाम दिया गया। पत्रकार रईस अहमद यूट्यूब में पत्रकार था, वेब पोर्टल चलाता था और लगातार सक्रिय रहकर काम करता था और 3 साल पहले उसकी शादी साफिया खातून से हुई थी। इन दोनों के 3 साल की एक बेटी भी है। घटना के वक्त वो बेटी आवाज़ को सुनी है, चीख पुकार जो मची हुई थी उसे वो महसूस भी की है। वो बोलती रही कि पापा को मत मारो, ये कहानी सामने आई है कि उसके साथ ये गलत हो रहा है। लेकिन साफिया खातून जान लेने पर आतुर थी अपने पति की, क्योंकि उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उस प्रेम, उस आशिक और साफिया खातून के बीच में कोई और रहे। लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस तरह की हम कहानी पहले भी बता चुके हैं। तो ये कहानी बिल्कुल वैसे ही है कि 3 साल पहले शादी हुई, शादी के बाद भी साफिया का रिलेशन या साफिया का संबंध जो है उसके आशिक के साथ रहा, वो बातचीत करती रही और आज से कुछ महीने पहले वो झारखंड के गढ़वा इलाके में भी चली गई थी, जिसकी रिपोर्ट जो है रईस अहमद ने दर्ज कराई थी। और दर्ज कराने के बाद, रईस अहमद की कंप्लेन के बाद जो है साफिया खातून को झारखंड से वापस भी लेकर आया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी थी साफिया खातून और उसके आशिक आरजू के बीच में। दोनों प्लानिंग कर लिए थे कि इस बार जो है रास्ते से पत्रकार रईस अहमद को हटाना है और बिल्कुल अपने अंजाम में सफल हुए। 15 मई की रात इकट्ठा हुए, जैसे ही पत्रकार रईस अहमद घर पहुंचा, उसके बाद आरजू खान और उसका साथी खुशी दोनों पहुंचे और पहुंचने के बाद ताबड़तोड़ सिर पर उस पर वार किया गया। वार करने के साथ साथ उसका गला दबाया गया और गला दबाकर और वार करके उसके ऊपर कई सारे हथियार, कई सारे लाठी डंडे से उसकी पिटाई की गई और पिटाई करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। जब तक उसकी सांस नहीं टूटी तब तक उसे मारते रहे और चीख पुकार वहाँ मचती रही, जैसे कि पत्रकार रईस अहमद की बेटी ने सुना है। मारने के बाद शव को ठिकाने लगाने का प्लान बना कि शव को ठिकाना कहाँ लगाया जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई अपराधी बहुत सारे सबूत या फिर कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ जाता है। तो इस केस में भी, इस कहानी में भी आरोपियों ने सबूत ढेर सारा छोड़ रखा था, जिसकी वजह से
पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची। मारने के बाद तय हुआ कि इसे पास के बाजार चौक में, पास के डिपो में, जो वन विभाग का डिपो है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, वहां पे उसे फेंका जाए, जो घर से महज कुछ ही दूरी पर स्थित था। बकायदा लाश को लेकर गए, लाश को ले जाने के बाद उसे वहीं पर फेंक दिया। 16 मई की सुबह जब लोग इकट्ठा हुए, जब लोग जागे तो देखे कि एक लाश पड़ी हुई है। लाश की शिनाख्त पत्रकार रईस अहमद के रूप में हुई। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, थाना प्रभारी को सूचना दी गई, थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया और सबसे पहले पूछताछ की गई रईस अहमद की पत्नी साफिया खातून से। साफिया खातून पहले तो कहानी गढ़ने लगी कि रात में वो आया था, कुछ लोग आए भी थे, लेकिन नाम बताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि वो कौन लोग थे जो रात में आए थे, जिनके साथ में मारपीट हुई है, जिनके साथ में विवाद हुआ है। पहले वो कहानी गढ़ने लगी और नाम बताने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन पुलिस हर बार की तरह जो करती है हर कहानी में, दोनों की कहानी यानी कि दोनों की प्रोफाइल स्टडी करती है, तो इस कहानी में भी प्रोफाइल स्टडी की गई। पत्रकार रईस अहमद की कोई दुश्मनी तो नहीं थी, या फिर साफिया खातून की कोई दुश्मनी तो नहीं थी किसी के साथ, या फिर साफिया खातून का प्रोफाइल क्या है, तो पता चला कि कुछ महीने पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी साफिया खातून के नाम पर कि साफिया खातून लापता हो गई है। बाद में पूछताछ में पता चला कि साफिया खातून एक आरजू नाम के शख्स के साथ झारखंड के गढ़वा में कुछ महीने से रह रही है। पुलिस वहाँ जाती है, बरामदी करती है और बरामदगी के बाद जो है उसे वापस लेकर आती है, और वापस लेकर आने के बाद वो दोनों फिर से सेपरेट अलग साथ रहने लगते हैं। एक 3 साल की बेटी है और पत्रकार रईस अहमद फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, लेकिन उस बीच इनकी कहानी फिर से वो जारी रहती है और ये प्लान करते हैं आरजू के साथ में साफिया खातून कि इस बार रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। लेकिन अब दोनों साथ रहेंगे जेल में, जिस तरह से वो उन्होंने कांड किया है, जिस तरह से उन्होंने एक जान ली है, तो उसका अंजाम भी वही होगा। मारने के बाद चूंकि पुलिस स्टडी करती है, पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, तब जाकर साफिया खातून जो है टूटती है। उसके बाद कहानी बताती है कि रात में दोनों को हमने बुलाया था और मारने की जिस तरह से योजना बनी थी उस योजना को उन्होंने सफलता रूप से काम भी किया, यानी कि वारदात को सफल तरीके से अंजाम दिया। और कोशिश थी इनकी कि किसी दूसरे घटना से इसे जोड़ा जाए कि साफिया खातून सुबह दोपहर तक ये बताती रही कि वो लोग कौन थे नहीं मालूम, कुछ लोग आए हुए थे मारने के लिए, कुछ लोग ये भी कहानी करते रहे कि पत्रकार है तो किसी खबर को लेके विवाद हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई, ये तक कहानी बताने लगे। लेकिन पुलिस स्मार्ट है, हर बार की तरह इस केस में भी पुलिस स्मार्ट तरीके से काम की और कॉल रिकॉर्ड, CDR, तमाम जो है जो एंगल हो सकते थे, हर एंगल से पुलिस जांच की, दुश्मनी एंगल से भी जांच की, लव अफेयर एंगल से भी जांच की, तमाम एंगल से जांच करने के बाद ये खुलासा हुआ कि साफिया खातून अपने आशिक और उसके दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दी है, अपने पति की हत्या की है। पुलिस आज इस केस का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहानी बताई है कि आखिर 15 मई की रात को क्या हुआ और 16 मई की सुबह को क्या हुआ और 17 मई यानी कि आज इस केस का खुलासा कैसे हुआ। आप आगे वीडियो में देखेंगे पुलिस अधिकारी इस विषय पर क्या कुछ कह रहे हैं और केस के सिलसिले में क्या बता रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लव ट्रायंगल, इस तरह की कई सारी फिल्में बनी हैं और एक पत्नी की बेवफाई पर भी फिल्में कई सारी बनी हैं, तो इस केस में भी पत्रकार रईस अहमद की हत्या उसकी बेवफा पत्नी, उसका आशिक और उसका दोस्त ने मिलकर कर दी है। इस तरह की कहानी आपने बहुत सारी सुनी होगी और कहानियों से हमें सबक लेनी चाहिए। हमारा मकसद भी यही है कि अपराध मुक्त समाज हो, अपराध मुक्त देश हो। इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या चल रहा है आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मोबाइल के माध्यम से थाना प्रभारी को सूचना मिला कि फॉरेस्ट डिपो के पीछे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। TI अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, वहाँ स्थानीय लोग भी एकत्रित हो गए थे, तो वहाँ जो मृत व्यक्ति पड़ा था उसको पहचान हुआ रईस अहमद पत्रकार के रूप में। लाश को देखने में पता चला कि उसके सिर के पास और गर्दन के पास मुंह पर चोट के निशान थे, जो स्पष्ट ऐसा लग रहा था कि इसको हत्या करके यहाँ फेंका गया है। ये घटना के आधार पर मृतक के चचेरे भाई की रिपोर्ट पर 302, 120B 34 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मौके का मुआयना करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद
मृतक जिस मकान में रहता था उस घटना का निरीक्षण करने के पश्चात फॉरेंसिक एविडेंस हेतु एफएसएल की टीम को बुलवाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलवाया गया। संपूर्ण विवेचना से स्पष्ट हुआ कि इसको घर में मारकर स्पॉट पर फेंका गया है। इस संबंध में जब पता किया तो मृतक की शादी 3 वर्ष पूर्व एक सफीना नाम की लड़की से हुई थी, वो उससे उसकी 3 वर्ष की पुत्री है। ये पत्नी इसको छोड़ के गढ़वा क्षेत्र में चली गई थी। पत्रकार द्वारा सूचना देने पर इसको फिर बरामद किया गया। ये अपनी वाइफ को लाकर फिर किराए के मकान में, जो चनवाली डांड में किराए के मकान में 1.5 महीने करीब से वहाँ रहने लगा था। लेकिन घटना के पीछे ये पता चला है कि मृतक की पत्नी का एक आरजू नाम के लड़के से अवैध संबंध था, जो गढ़वा का रहने वाला था। जब ये जानकारी मिलने पे कि ये अपने पति को छोड़कर गढ़वा तरफ पहले भी जा चुकी है, इसी लाइन पर साक्ष्य अनुसंधान किया तो ये मृतका ने बताया कि मैं घर पर थी और जब मेरा पति रात को 1 बजे के बाद घर पर आ गया था और सो रहा था, उस समय इसने टेलीफोन करके अपने जो पुराना मित्र है इसका आरजू और उसका एक चचेरा भाई बुआ का लड़का, उसको बुलाया। दोनों घर में घुसकर उनके द्वारा इसकी हत्या कारित की और मारपीट करके हत्या कारित करने के बाद इस लाश को इन्होंने यहाँ ठिकाने पर लगाया जहाँ इसकी डेड बॉडी मिली है। साक्ष्य के आधार पर जो प्रथम दृष्टया मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है और इस घटना को जिसको जिसने अंजाम दिया है उनके पीछे एक पुलिस दल रवाना हुआ है, वो अभी सूचना नहीं मिली है, उसके बाद अलग से आपको बताया जाएगा। प्रथम दृष्टया इस मृतक की पत्नी के द्वारा ही षड्यंत्र करके अपने प्रेमी के साथ पति की हत्या की है।